Okay, that's question number 322. Ram Kishore Singh, yes. Question number 322. Yes, Minister. We were on Sabha, but there were rakha hua hai main. Yes. धन्यवाद महोदया. माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि इन्होंने किसी भी PSUES में, विशेषकर ECL, CCL, BCCL आदि में आयुष पद्धति के माध्यम से मरीजों की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसका जवाब इन्होंने दिया है. मैडम, पूरे देश में आज डॉक्टरों का घोर अभाव है. जहाँ आज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है 9 लाख से अधिक डॉक्टर रजिस्टर्ड है, लेकिन कार्यरत 6 से 6.5 लाख मात्र है. और विशेष रूप से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिन डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति या नियुक्ति होती है, वह शहर में ही ज़्यादातर लोग चले आते हैं, देहाती क्षेत्र में रहना नहीं चाहते, और जिसके कारण घोर अभाव वहाँ रहता है. तो मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर हमारे बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहां डॉक्टरों का इतना अभाव रहता है जिसके कारण मरीजों की जान चली जाती है. तो मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, विशेषकर जो आयुष है और प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, इसको बढ़ावा देने की दिशा में काफ़ी कारगर कदम उठा रहे हैं. तो क्या उन बिहार जैसे राज्यों में, पिछड़े राज्यों में और जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्रों में आयुष का बढ़ावा देने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रहे हैं क्या? पिछड़े क्यों, आंकड़ों में भी आयुष का प्रभाव होना चाहिए ना. ये अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है, वो जो कई कॉरपोरेशन है, माननीय महोदय जी, आयुष मंत्रालय को लोकेशन के जरिए राज्य तक पहुंचती है, राज्य को सपोर्ट करती है. और हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सब लोग जानते हैं. जो कुछ सपोर्ट केंद्र सरकार की ओर से, बाद में वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, केंद्र आर्थिक दृष्टि से सपोर्ट करता है, अपने प्रोग्राम के जरिए सपोर्ट करता है. और जो कॉरपोरेशन, कोल कॉरपोरेशन हो या ऐसी कोई कॉरपोरेशन हो, इनकी अपनी अंदर की व्यवस्था होती है और वो अपने अपने वर्कर्स को इस ट्रीटमेंट के लिए अपनी अपनी व्यवस्था से करते हैं. राज्य सरकार यदि हमें प्रपोजल भेज दे कि हमारे को लोकेशन जो स्कीम है, वहाँ हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवा सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हम बना सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं. अब यदि राज्य सरकार हमें प्रपोजल भेज दे, तो निश्चित तौर से हम जो हमारे पास संख्या है, जो कुछ हमारे पास ये है, तो इनको मदद करने के लिए हम इनका जो प्रपोजल है वो मान कर सकते हैं और सुविधा दे सकते हैं. सेकंड सप्लीमेंट. मैडम, आज CGHS, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन अस्पतालों में CGHS का जो है, उसका व्यवस्था देखने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है. तो मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए, जैसे CGHS केंद्र का संचालन आप करते हैं, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष को बढ़ावा देने की दिशा में कोई कारगर कदम उठाएं. माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ राज्य, जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार से जो प्रपोजल आता है, वहाँ हम अपने स्कीम के द्वारा उन्हें मेडिसिन भी देते हैं. जो हॉस्पिटल है, CGHS हॉस्पिटल, उसका एक्सपांशन के फंड भी देते हैं. और हर जिले में एक आयुष हॉस्पिटल का भी प्रपोजल हमने, हमारा जो आयुष मिशन है, उसके जरिए एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए भी हम 10.5 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट को देते हैं. ये थ्रू राज्य सरकार से हमारे पास प्रपोजल आना चाहिए, तभी हम ये सब कर सकते हैं. मैं इसका बार फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ.